आज का ये एपिसोड हिंदुस्तान के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। आमतौर पर जब भी सीरियल किलर्स के बारे में बात की जाती है तो चंद नाम जहन में उभर आते हैं, जैसा कि चार्ल्स सोबराज को द मास्टर ऑफ सीरियल किलर्स और बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये खूबसूरत टूरिस्ट लड़कियों को अपने जाल में फंस कर जिनसी ज्यादती करने के बाद इन्हें मौत की नींद सुला देता। इसी तरह के सीरियल किलर्स की फेरिस्त में जैक रेपर का भी नाम शामिल है। इस सीरियल किलर की गुथी आज तक न सुलझ सकी और इस फेरिस्त पे मजीद नजर दौड़ाएं तो चेन्नई का खौफ, आटो शंकर, रमन राघव, जावेद इकबाल और कई खतरनाक सीरियल किलर्स के नाम शामिल है, लेकिन इन सब की कहानियाँ एक तरफ और हिंदुस्तान के थक बहराम की कहानी एक तरफ है। थक बहराम सन 1965 में हिंदुस्तान के जलालपुर आज के मध्य प्रदेश में पैदा हुए। थक बहराम एक खामोश तब इंसान थे। थक बहराम सीरियल किलर्स की तारीख का एक पूरे चैप्टर की हैसियत रखता है। इस बेरहम कातिल ने कोई 10, 20 या 50 लोगों को नहीं बल्कि 900 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया था। थक इसका नाम इसलिए भी पड़ा था कि ये लोगों को बड़ी चालाकी से ठगता था। ये इन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो दूसरे देशों से तिजारत की गरज से हिंदुस्तान आते थे। ये शातिर कातिल इतना जहीन था कि इसने पैरोकारों की एक जमात खड़ी कर दी थी जो इनके इशारों पर लोगों को लूटने के बाद इन्हें कत्ल कर देते थे। इसने अपने पैरोकारों को ये यकीन दिला रखा था कि ये जो लोगों को कत्ल करते हैं दरअसल वो काली माँ को खून की बलि चढ़ा रहे हैं और ऐसा करने से काली माँ इनसे बहुत खुश है और इसका अजर इनके अमाल नामे में लिखा जा रहा है। ये मुगल हुक्मरानों के हुकूमत के आखिरी हिस्से में सरगर्म था। इस वक्त हिंदुस्तान में मुगल शाह आलम द्वितीय की हुक्मरानी थी। इस डोंगी सीरियल किलर ने अपने फॉलोअर्स को पूरे हिंदुस्तान में फैला रखा था जो ताजरों के मुख्तलिफ रास्तों पर गाद लगाकर इंतजार करते और इन्हें लूटने के बाद कत्ल कर देते थे या ये कातिल दो या तीन आदमी मिलकर रास्ते में आने वाले ताजरों के काफिले का इंतजार करते और इस काफिले में शामिल होकर इनका भरोसा जीते। ताजरों का भरोसा जीतने के फौरन बाद ये इनमें से एक एक को काफिले से अलग करते जाते और इन्हें कत्ल करते जाते। यूं ये 3-4 लोग पूरे के पूरे काफिले को मार कर लूट लेते। थक बहराम की दहशत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। वो जब चाहे किसी के भी घर में घुस जाता और वहाँ मौजूद बहू बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करके चला जाता था। किसी को उफ तक कहने की हिम्मत नहीं होती थी। थक बहराम शुरू से एक रंगीन मिजाज इंसान थे, इसलिए वो अक्सर तवाइफों के कोठों पर जाया करते थे। इनका रिश्ता शुरू में एक ब्रिटिश सोल्जर की तवाइफ बेटी के साथ जोड़ा जाता था। वो इस हसीना को अमीर तरीन लोगों तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करता था और आखिरकार इस कातिल ने इसे भी मौत के घाट उतार दिया। जब इनकी लूट मार की कहानी उरूज पर थी तो मुगल हुक्मरानों की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर जवाल पजीर हो चुकी थी और हिंदुस्तान पर पूरी तरह गोरों ने कब्जा जमाया था। यही से थक बहराम की तनजुली शुरू हुई। अंग्रेजों ने इकदार संभालते ही थक बहराम के नाक में नकेल डालने का मंसूबा तैयार किया और बरतानवी हुक्मरानों की स्पेशल हिदायत पर कमांडोस हिंदुस्तान भेजे गए, मगर कुछ उलट निकला। थक बहराम ने इन कमांडोस को भी अपना शिकार बनाया। तब ये मामला और गर्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने की कोशिश तेज कर दी। इन कोशिशों के नतीजे में थक बहराम का बाजू समझा जाने वाला एक राजदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ लगा। इस खसूसी राजदार का नाम था सैयद आमिर अली उर्फ फिरंगा। इस राजदार ने थक बहराम के तमाम राज खोल कर रख दिए और थक बहराम को एक तवाइफ के कोठे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद थक बहराम ने कोई 950 अफराद के कत्ल का एतराफ किया, जिसके बाद इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यूं हिंदुस्तानी शहरी इनकी खौफ से आजाद हो गया। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।